आज जो यहाँ के हमारे सदर विधायक जी हैं वह एक पक्षी बात बोल रहे हैं और एक आदमी की बात कर रहे हैं। अब देख ही रहे हैं जाति रंग जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अभी तक तो धर्म की लड़ाई हुई, अब जात में लगाने की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में देवरिया का मामला अब गर्मा गया है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर तरफ से अब बयानबाजी और लगातार तीखे हमले देखे जा रहे हैं, जहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से हर तरीके से देवेश दुबे को मदद करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं देवरिया में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष की तरफ से सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। शलभ मणि त्रिपाठी को लेकर सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सत्ता आती जाती है, सदर विधायक एक पक्षीय बात बोल रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्ता आती जाती है, लेकिन आज जो यहाँ के हमारे सदर विधायक जी हैं वह एक पक्षी बात बोल रहे हैं और एक आदमी की बात कर रहे हैं। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको हमेशा जनता के हित की बात करनी चाहिए, लेकिन आज जो उधर से बयान आ रहा है, उस बयान जो आज चल रहा है सोशल मीडिया पर, इसकी पूरे प्रदेश से उद्देश्य में बड़ी प्रतिक्रिया हो गई है, ये नहीं होना चाहिए। जाति रंग कौन दे रहा है कि कौन देता है यहाँ पे? जाति रंग अब देख ही रहे हैं, जाति रंग जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अभी तक तो धर्म की लड़ाई हुई, अब जात में लगाने की बात चल रही है। अब बड़ा लड़का, अब उसका जो बड़ा लड़का, तो उसके तीन लड़के हैं, तो बड़ा लड़का क्या जो इस समय है जी, आपको कैसे पता है? वो पत्नी बता गई थी कि वो था, ये मैं नहीं कह रहा, पत्नी जो बताई मुझसे, मैं वो उस बात को कह रहा है। क्या बताई थी? वही बताई कि वो मोटरसाइकिल उनका बड़ा लड़का लेके गया है। किसकी मोटरसाइकिल? ये प्रेम की मोटरसाइकिल। कहाँ से ले गया? वो जहाँ लगा करके खेत में घूमने गए थे। उसके बाद प्रेम घर पे गए, उसी मोटरसाइकिल के चक्कर में वो उनके घर जाए, यहाँ पे विवाद हुआ। हाँ, अब वहाँ मोटरसाइकिल के ले जाना, फोन करना, ये कहीं न कहीं से ये पहले से उस योजना का कहीं न कहीं से ये तो पहले से यह तैयार किया गया था। बता दें कि शलभ मणि त्रिपाठी लगातार इस मामले में अपनी नजर बनाए हुए हैं और वे देवरिया की सदर सीट से विधायक भी हैं, जबकि ये जो घटना हुई है वो रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन इस समय शलभ मणि त्रिपाठी लगातार इस मुद्दे को उठाए हुए हैं और प्रशासन तक सारी बातें पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ देवेश दुबे के घर जब ये घटना हुई उसके बाद से वे लगातार देवेश का ख्याल रख रहे हैं, उन्हें अपने गेस्ट हाउस में भी उन्होंने कुछ दिनों से रखा हुआ है। साथ ही साथ आज जब सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, तो वहां पर भी शलभ मणि त्रिपाठी की तरफ से जमकर भाषण दिए गए। देवरिया से गौरव पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।